सीताफल जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। इसके फल विशेष रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में अपने आप ही उग रहे हैं, लेकिन इसके जो पिछले कुछ वर्षों में इसके जो फल की महत्ता है वो काफ़ी जाने जाने लग गई है, और इसके जो खासकर जो इसका गुद्दा है उसकी मांग काफ़ी बढ़ रही है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट फल है और सुगंधित फल है। आइसक्रीम में इसकी बड़ी मांग होने से इसका डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये फल सीजनल फल है, साल में केवल दो महीने ही, डेढ़ दो महीना ही उपलब्ध रहता है, और इसके जो गुद्दे की मांग है वो साल भर बनी रहती है। ऐसा देखते हुए ये सोचा गया कि क्यों न इसके गुद्दे को प्रोसेस किया जाए, इसका पल्प निकाला जाए। लेकिन पल्प जो है, आइसक्रीम इंडस्ट्री को जो पल्प चाहिए वो एक ख़ास तरह का पल्प चाहिए। जितने भी जो और पल्प निकालने वाली मशीन है, चाहे वो आम का है, चाहे अमरूद का है, टमाटर का है, वो एक फ़ाइन क्वालिटी का बिल्कुल बारीक गुद्दा निकालते हैं, लेकिन इसका जो गुद्दा है वो थोड़ा सा कोर्स टाइप का जो है, इसमें ये बीज निकल जाए और जो गुद्दे की जो शक्ल है वो ना बिगड़े, जो जो लोकल भाषा में पेशी कहते हैं, पेशी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह का गुद्दा की मांग काफ़ी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत सीफेट अबो के साथ मिल के एक मशीन निकाली है जो इसका गुद्दा निकालने के काम आती है। फिर इसके साथ साथ ये गुद्दा निकालने के तुरंत बाद ही ये गुद्दा ख़राब हो जाता था, इसमें भूरापन आ जाता था और ये खाने लायक नहीं रहता था। तो इसकी भी हमने एक तकनीक निकाली कि गुद्दा साल भर ये बिगड़े ना। तो इस तकनीक, इस प्रोजेक्ट में हमने एक मशीन डेवलप की है और एक ये तकनीकी निकाली है ताकि इसका साल भर गुद्दा ख़राब ना हो। और फिर इसके बाद ये देखा कि ये निकालने के बाद इसको कैसे कमर्शलाइज किया जाए। इस तकनीक को कमर्शलाइज करने के लिए, व्यावसायिक करने के लिए हमने देखा कि इसमें हमने चार MOU किए हैं। एक नाना गांव है पाली ब्लॉक में, सृजन नाम की एक संस्था है उसके साथ, और एक घूमर महिला महासंघ, उनके साथ मिलके हमने इसको व्यावसायीकरण किया है जोधपुर ज़िले में। और दूसरे दो MOU हमारे गुजरात में हुए हैं और एक चौथा MOU आंध्र कर्नाटक में हुआ है। तो इस MOU के तहत जो राजस्थान में पाली ज़िले में जो नाना गांव में हुआ है, सृजन इसमें हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके ये घूमर महिला महासंघ ने काफ़ी पिछले दो साल से हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के बाद भी ये हमारा सक्सेस है, और इसमें गुद्दा निकालने के लिए हमने ये मशीन इन्होंने खरीद ली है। सीताफल का गुद्दा निकालने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो का फल का सही अवस्था में तोड़ना। तो इसके लिए हमने देखा है कि जब फल की आँखें फूल जाती हैं और थोड़ा सा पीलापन लिए होता है, तब फल को तोड़ना चाहिए। तो हमने आदिवासी महिलाओं को और आदिवासी भाइयों को इस विषय पर ट्रेंड कर दिया है, वो एक फल को इसी अवस्था में तोड़ते हैं, उसके बाद वहाँ पे हर एक सेंटर पे इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद जो ये हमारा प्रोसेसिंग केंद्र है, यहाँ पे कैरेट्स में, प्लास्टिक के कैरेट्स में भर के लाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट है, तो बड़ी सावधानी के साथ इसको तोड़ के और यहाँ पे लेके आते हैं। और ये फिर इसके बाद हम इसको एक बंद कमरे में रख देते हैं, तीन चार दिन में ये अच्छी तरह इसको कपड़े से ढक के अखबार में लपेट के रखते हैं ताकि ये पक जाए। और सारा फल एक बारी में नहीं पकता, दो तीन बार में पकता है। उसको जैसे जैसे फल पकता है हम छटनी करते रहते हैं, और उसमें फल निकालने के बाद उस फल की पहला जो प्रोसेस है उसमें पहले फल का छिलका हटाते हैं, स्कूपिंग जिसको बोलते हैं, तो ये जो काम है ये हम मैन्युअली करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ताकि आपका जो ह्यूमन एलिमेंट है जो प्रोसेसिंग करने के लिए, जो वो बिल्कुल एलिमिनेट ना हो कि काम मिला रहे आदिवासी भाई में, तो स्कूपिंग वो इतना ज़्यादा उसमें समय भी नहीं लगता, तो छिलका हटा के और बीज और गुद्दा अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है। छिलका इसके बाद जो काम है वो है गुद्दे को बीज से अलग करना, और इस काम के लिए क्या एक हमने जो मशीन तैयार की है, वो मशीन महाराष्ट्र पुणे में एक कमर्शियली अवेलेबल है, हमने MOU कर दिया है, वहाँ से मशीन खरीदी जा सकती है। तो उस मशीन द्वारा बीज अलग हो जाता है और गुद्दा अलग हो जाता है। इस गुद्दे को निकालने के बाद हम इसमें एक प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, और वो प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद इसको एक एक किलो की पैकिंग करके सील बंद करके ब्लास्ट फ्रीजिंग कर देते हैं, -30 पे इसको करते हैं ताकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। और उसके बाद ये इसको -20 डिग्री पर साल भर आप बिना किसी खराबी के रख सकते हैं। इसके बाद इसको मार्केटिंग की जाती है। सीताफल प्रोसेसिंग के दौरान छिलका ही एक बाई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ हम इसमें बेकार नहीं जाते। ये छिलका हम इसको
तकरीबन 30-40% छिलका निकलता है, उस छिलके को डिकम्पोज कर लेते हैं। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये गड्ढा खोद देते हैं और इसमें जितना भी हमारा छिलका निकलता है वो सारा इसमें डाल देते हैं और इस गड्ढे को बाद में कवर कर देंगे मिट्टी से। और जैसे ही डिकम्पोज होगा, एक रेनी सीजन इसके ऊपर से हम जाने देते हैं, तो उसके बाद निकालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला खाद उर्वरक हमारे पास होगा। और ये हम हर प्रकार के अपने जो है, खासकर जो जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, उसमें हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। सीताफल का गुद्दा निकालते वक्त 20-25% के आसपास बीज निकलते हैं। और बीज का हमने देखा कि इसमें आपने बहुत सारी इसकी औषधीय उपयोग हैं, खासकर इसमें जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एक केमिकल होता है उसकी वजह से इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी हैं। और हैदराबाद में एक कंपनी है जो इसमें से वो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कर रही है। और ये बीज जो है, इस ये भी बेकार नहीं जाता, इसका भी 25 रुपये के आसपास इसका भाव है और ये बिक जाता है। तो हम जो प्रोसेसिंग के दौरान जो बीज निकलता है उसको सुखा लेते हैं और उसको इकट्ठा करके बेचते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है एक केमिकल तैयार होता है और उसमें इसकी भारी मांग है, तो बीज भी बिक जाता है। तो सीताफल के प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी भाग बेकार नहीं जाता, बीज भी आपका काम में आ रहा है, छिलका भी आपका काम में आ रहा है और गुद्दा का तो आपका आइसक्रीम में, रबड़ी में और बहुत सारे इसके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसमें काम आ ही रहा है। हम इस तरह इन बोरियों में या कट्टों में भर लेते हैं, उसके बाद इसको सेल के लिए ये अब ये तैयार है इस तरह, ताकि ये आपको ले जाने में आसानी रहे। इस तरह यहाँ जो एक इस क्षेत्र का जो आदिवासियों के लिए रोजी रोटी का ये साधन था, इससे यहाँ इनके इस तरह की तकनीक आने से और ये एनजीओ और ये सेल्फ महिला ग्रुप जुड़ने से यहाँ महिलाओं को काफ़ी रोज़गार मिला है। तकरीबन इनका जो आमदनी थी वो दुगनी हो गई है और जो फल जो 5 रुपये किलो भी कोई नहीं लेता था, 10 रुपये किलो आज बिकना शुरू हो गया है और रोज़गार के नए अवसर सृजन हुए हैं। तो हर किसी को, चाहे वो जंगल से इकट्ठा करने वाला आदिवासी भाई है, चाहे वो महिला बहन है, चाहे वो किसान भाई है, जो भी सीताफल की खेती कर रहा है उसको फ़ायदा है, जो इसको तोड़ रहा है उसको फ़ायदा है, प्रोसेसिंग जो कर रहे हैं उनको काम मिला है और जो खाने वाला अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उसको अच्छी क्वालिटी का पल्प जो गुद्दा है वो मिल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट से हर किसी को फ़ायदा है। और इस साल ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने का, हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन इन लोगों के जुड़ने से जो हमारी लैब में जो तकनीक थी उसको व्यवसायीकरण हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस एरिया में ये प्रोजेक्ट बहुत फले फूलेगा और आदिवासी भाइयों के लिए रोजी रोटी का एक अच्छा साधन साबित होगा।